गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। कुछ लोगों को खुशियां प्राप्त हुई हैं तो कुछ इस परिणाम से हताश निराश भी हुए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा में अभी प्रोविजनल परिणाम आए हैं। प्रोविजनल परिणाम की कट ऑफ जो हमने पहले बताई थी उसी संभावना के अनुरूप प्राप्त हुई है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके संबंध में विशेष प्रश्न किए जा रहे हैं, तो इस संबंध में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वर्तमान में प्रत्येक कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है उस कट ऑफ से 8 से लेकर के 10-11 अंक तक कट ऑफ आगे फाइनल में बढ़ने की संभावना है, तो उस हिसाब से हमें अपनी कट ऑफ मानते हुए आगे की तैयारियों की रूपरेखा तैयार करनी है। जिनके परिणाम आशानुरूप नहीं रहे हैं उनको भी हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में जल्दी ही संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रथम श्रेणी की परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो इसमें यदि आप कुछ नंबरों से कुछ अंकों से रह रहे हैं तो अभी से आप प्रथम श्रेणी व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी में लग जाएं, उसमें आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और यदि आप केवल इसी की हताशा में डूबे रहे तो यह अवसर तो हमने खो ही दिया है, आगे वाला अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कट ऑफ व्याख्याता की रही है उसमें जिनके केवल 8-10 नंबर के अंदर अंदर ही अंक आने की संभावना है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से संस्कृत शिक्षा विभाग व्याख्याता की परीक्षा में जुड़ जाएं, लगातार अपनी तैयारी रखें जिससे आगे आने वाला अवसर हमारे हाथों में आ सके। हम YouTube चैनल पर प्रथम श्रेणी व्याख्याता से संबंधित कुछ वीडियोज लेकर के आएंगे जिसमें मॉडल प्रश्न पत्र आपको हल करवाए जाएंगे। जीके परीक्षा जीके फर्स्ट पेपर के लिए, हिंदी विषय के लिए और संस्कृत के विषयों के लिए हम अलग अलग मॉडल पेपर आपके सामने लाएंगे। उन मॉडल पेपर को हल करके आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें और कितना अभी तैयार होना है, अपनी तैयारी को किस रूप में हमें आगे ले जाना है। यदि आप निरंतर उन मॉडल पेपर्स के आधार पर अपनी तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रही बात हिंदी विषय वालों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हमें पुरानी पढ़नी चाहिए या नई वाली पढ़नी चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 11वीं 12वीं की पुरानी पाठ्य पुस्तकें ही इस परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि परीक्षा पहले मई में निर्धारित थी और शायद पहले इसके प्रश्न पत्र बनाए जा चुके हैं, तो उस आधार पर पुरानी पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न आएंगे। इसलिए आप पुरानी पाठ्य पुस्तकों से ही अपनी तैयारी करें। रीट परीक्षा भी निकट भविष्य में जल्दी होने की संभावना है, हालांकि दिसंबर से पहले लगता नहीं है कि रीट परीक्षा हो जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया था उसी के अनुरूप आगे जाने की परीक्षाओं की संभावना है, फिर भी हमें रीट परीक्षा की अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहना है। जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग व्याख्याता के फॉर्म नहीं भर रखे हैं वे रीट की परीक्षा में जुटे रहें, लगे रहें, निश्चित रूप से निकट भविष्य में वह परीक्षा आपको देनी ही है। आपने मेरे YouTube चैनल पर देखा होगा कि शिक्षण विधियों की क्लासेज मैं अत्यधिक गहराई के साथ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षण विधियों के संबंध में आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि शायद अन्य कोई पुस्तक या अन्य कोई चैनल देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी चैनल में आपको इतना गहराई से विस्तार से बता दिया जा रहा है कि अगर आप लगातार अपने नोट्स बनाकर इनको तैयार करते रहेंगे तो शिक्षण विधियों के संबंध में अन्यत्र कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं होगी।
इसी प्रकार के वीडियोज हिंदी और संस्कृत विषय के लिए भी लेकर के हम आएंगे। संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, शिक्षण विधियों के लिए आपको किसी अन्य ऐप के कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप इनके लिए ऐप्स के कोर्स खरीदकर अपने पैसे खर्च करेंगे तो मैं आपकी मूर्खता ही मानूंगा, क्योंकि जब आप तुलना करके देख सकते हैं इस चैनल पर आपको जो मिल रहा है शायद किसी ऐप में ऐसा कोर्स आपको प्राप्त नहीं होगा। हिंदी, संस्कृत और शिक्षण विधियों के साथ साथ मैं मनोविज्ञान के भी कुछ टॉपिक्स लेकर के आपके सामने आऊँगा। मनोविज्ञान के टॉपिक्स भी जो शिक्षण विधियाँ आपको गहराई से तैयार करवाई जा रही हैं उसी के अनुरूप गहराई से आपको मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके मैटर के लिए भी आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप लगातार मुझसे जुड़े रह करके इन शिक्षण विधियों, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत आदि की तैयारी करते रहेंगे, लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो रीट परीक्षा के संबंध में आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑफलाइन से भी बेहतर क्लासेस ऑनलाइन में देने का मेरा प्रयास है। जैसा मैंने ऑफलाइन में बिना किसी भेदभाव के पूरी मेहनत के साथ में मैंने अपनी क्लासेस देने की कोशिश की है, उससे भी बेहतर ढंग से ऑनलाइन पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको विश्वास बनाए रखना है और जैसा विश्वास अभी तक आपने जताया है वैसा विश्वास आगे भी आप लगातार मेरे साथ जताए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आप सभी को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों के लिए हम संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र या कुछ विशेष टॉपिक्स जैसे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, काव्य शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनके विशेष वीडियोज लेकर के आएंगे। शिक्षण विधियों के वीडियोज भी साथ साथ अपने चलते रहेंगे और इस प्रकार से आप रीट परीक्षा के लिए और संस्कृत शिक्षा विभाग व्याख्याता परीक्षा के लिए दोनों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। आशा है आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखेंगे और एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ मैं आपकी सफलता की शुभकामनाएं करता हूं कि आप सभी जिस तैयारी के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए जुटे हुए हैं वह लक्ष्य निकट भविष्य में आपको अवश्य प्राप्त हो। सभी को धन्यवाद।